ये है मेरी एक्सेस 125 और यहाँ पे है चार क्वार्टर, मेरा है लेफ्ट साइड टॉप वाला। और चलिए अब चलते हैं अंदर बिना किसी देरी के, मैं आपको दिखाती हूँ अपना सरकारी आवास। अब आपको पता ही होगा, आपने वीडियो और सीरीज में देखा होगा कि मतलब सरकारी क्वार्टर या घर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है रोशनी UJVN लिमिटेड और सामने से जाती है सीढ़ियाँ। अब यहाँ पे देखिए फनी पार्ट दिखाती हूँ, सीढ़ियाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, मतलब आगे कुछ है ही नहीं और बस दो क्वार्टर हैं आमने सामने। तो मेरा है ये वाला, यहाँ पे मीटर है, मीटर में भी मेरा नाम है, घर के बाहर भी मेरा नाम है और यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है तो मैं इसे जल्दी से खोल देती हूँ और फिर आपको अंदर लेके जाती हूँ। तो ये है मेरा क्वार्टर और सरकारी घर जिसे आप बोल सकते हो। तो एंटर करते ही राइट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम क्या दिखाना, वो तो आपने देखा ही होगा। चलो मैं दिखा देती हूँ, क्या पता अगर आपने सरकारी वॉशरूम ना देखा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वॉशरूम और ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये क्या दिखाना, रील कहीं वायरल हो जाएगी। हार्पिक से साफ़ करते हुए भी दिखा दूँगी कभी वीडियो। तो नॉर्मल है जैसे रहते हैं। साइड में खिड़की है, बाहर का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी है जो मोस्टली गवर्नमेंट एरियाज़ में होती है। जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शू रैक है, ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया था। इसकी भी मैंने लॉन्ग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सीलन आ रखी है, क्योंकि ये 1975 से भी पुराने क्वार्टर्स है तो जब भी बारिश आती है तो फिर सीलन आती है। बाकी जो दो रूम है उसमें नहीं आती है, बस इस साइड में पता नहीं क्यों आती है, सिविल वालों को बोलना पड़ेगा। यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये मिरर है, तो यहाँ पे मैं फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ। अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। जैसे हम एंटर करते हैं सामने किचन है, तो आप ये देख सकते हो मेरा छोटा सा किचन, काफ़ी सारे सामान हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं मेस में खा लेती हूँ पर कभी कभी मैं बना भी लेती हूँ। और ये है मेरा प्लांट, ये भी मुझे UJVNL की तरफ से ही मिला था। और यहाँ पे देखिए मेरा जुगाड़, ये नल टपकता रहता है, सिविल वालों को बहुत बार बोल दिया पर वो चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगा के इसके ऊपर बॉटल रखी है तो अब पानी नहीं टपकता। यहाँ पे है मोटर और सारी चीज़ें जो किचन में यूज़ होती हैं। खाने लायक खाना मैं बना लेती हूँ, बाकी यूट्यूब से देख के तो मैं एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती हूँ। अब चलते हैं रूम की तरफ। तो यहाँ पे मुझे दो रूम मिलते हैं और पहले मैं फ़र्स्ट रूम आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पे मेरा एक बेड है और मैंने टीवी भी ली है और ये सारा मैंने डेकोरेट किया है होम डेकोर स्टिकर करके, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पर, ये भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, 2-2.5 साल पहले मैंने ये अपलोड की थी। कमरे ठीक है, यहाँ पे सीलन नहीं आती है बट छिपकली आती है, पता नहीं क्यों सरकारी घरों में बहुत छिपकलियाँ रहती है, वो भी इतनी मोटी मोटी। पहले तो स्टार्टिंग में मैं बहुत डर जाती थी कि मतलब क्या है ये, अब तो आदत सी हो गई है उनके साथ रहने की। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना स्टोर रूम दिखा देती हूँ जो इसी रूम के साथ अटैच है। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे मेडल्स हैं जो कि मैंने UJVNL के अलग अलग गेम्स में जीते हुए हैं। स्टोर रूम तो आपको पता ही है क्या रखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी कभी यूज़ होती है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा सामान मेरा, और ये कूलर और पेडेस्टल फ़ैन है, इस पर भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है पहले। अब मैं आपको अलमारी दिखा देती हूँ, दो अलमारी मिल जाती है मुझे रूम में और ये सीमेंटेड होती है जैसे पहले ज़माने में चलती थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स रखी हुई है, आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा मैंने MSc फिज़िक्स की हुई है बट यहाँ पर मैथ्स की बुक है, तो ASO का एग्ज़ाम होना था तो बुक मैंने सारी ले ली है पर पढ़ाई हो नहीं पाती जब से चार्ज लिया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने AC भी लगवाया है 1.5 टन का हायर का, काफ़ी गर्मी होती है, फर्स्ट फ्लोर है इसीलिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अब मैं आपको अपना प्यारा सा छोटा सा मंदिर दिखा देती हूँ, मैंने यहीं पे अरेंज किया है क्योंकि मंदिर का मुँह उत्तर की तरफ होना चाहिए, तो फिर मैंने इसे यहाँ पे बेड के बगल में ही लगा दिया है। अब मैं आपको अपनी लेज़र लाइट दिखाती हूँ, इसकी वीडियो भी मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की है और ये रात को बहुत सुंदर लगता है, मतलब ऐसा लगता है तारे ज़मीन पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा रूम जो कि उससे थोड़ा बड़ा है और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं तो काफ़ी उजाला रहता है। जो इससे पहले मैंने आपको रूम टूर करवाया है उसका कलर येलो था और इसका ऑरेंज है। और इस रूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो सामने मैंने फ्रिज लगाया हुआ है क्योंकि यहीं पे स्विच था, और फ्रिज के ऊपर मैंने अपनी ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं जिसमें से 5 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज है, लास्ट ईयर जो नवंबर में गेम्स हुए थे UJVNL के उसमें मुझे मिली थी। साइड में मैंने रखा है ट्राईपॉड विद रिंग लाइट, ये मेरे लिए सबसे लकी ट्राईपॉड है क्योंकि यही वीडियो वायरल हुई थी। बाकी इस कमरे में भी दो अलमारी है, आप देख सकते हो इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, इस टाइप की अलमारी में बहुत सामान आ जाता है।
इस कमरे में मैंने एक सिंगल बेड लगाया हुआ है और बाकी मेरे पास एक कंप्यूटर टेबल भी है, चेयर भी है, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब से रिगार्डिंग चीज़ें कर लेती हूँ या फिर MB घर पे लाके यहाँ पे MB भी करती हूँ रात को 1-1 बजे तक। और साइड में मैंने रखा है एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया था, इसकी भी वीडियो काफ़ी वायरल जा रही है और ये स्टिकर्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, सारा सामान ऑनलाइन ही है। साइड में मैंने एक मिरर लगाया हुआ है जिसमें मैं रेडी हो जाती हूँ और ये हूँ मैं, आपकी प्यारी वर्सेटाइल रोश। इसके बगल में ये एक डोर है जो कि बालकनी में खुलता है, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बालकनी भी दिखाऊंगी, छत भी दिखाऊंगी। और ये सामने है क्लोथ ड्राइंग स्टैंड, ये मैंने शॉप से लिया था। पीछे एक विंडो है, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, सामने भी क्वार्टर्स है और बहुत सारी ग्रीनरी है। साइड में मैंने अपनी बैडमिंटन की किट रखी हुई है, जब मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ तो इसे लेके जाती हूँ, जो कि यंग की है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है जो मैं यूज़ करती हूँ बाकी देहरादून में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, इसमें काफ़ी अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, गुड वाइब्स ओनली, स्माइल मोर, वरी लेस, ड्रीम बिग, स्टे हम्बल। यहाँ पे एक कीरिंग है जिसमें लिखा है डलहौजी, लास्ट टाइम मैं गई थी तो वहाँ से मैंने इसे परचेस किया था, बहुत ही सुंदर जगह है तो मुझे याद दिलाता रहता है उस जगह की। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने इस रूम की आपको वन बाय वन करके बता दी है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। तो दोस्तों क्वार्टर देखो, जहाँ पे कलर हुआ है वो UJVNL का है, जहाँ पे कलर नहीं हो रखे हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं। और ये है मेरी AC की आउटर यूनिट। अब मैं आपको सबसे फनी पार्ट दिखाती हूँ, ये बालकनी है ठीक है, छत में जाने के लिए सीढ़ी लगाई है, मैंने खुद खरीदी और ऊपर देखिए 2 सीढ़ी बना रखी है बस गवर्नमेंट ने, तो मुझे समझ नहीं आया कि छत में जाना कैसे है जब सीढ़ियाँ ही नहीं है और ऊपर की सिर्फ 2 सीढ़ी क्यों बना रखी है। अब यहाँ पर मैंने जुगाड़ लगा के इसके नीचे चप्पल लगा दी है ताकि ये फिसले ना, तो बात बात में जुगाड़ लगाना पड़ता है, इंडियंस जुगाड़ में एक नंबर होते हैं। अब यहाँ पे भी मैं जान हथेली पर लेके छत में चढ़ जाती हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे भी पैराफिट बाउंड्री नहीं है पर गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है। तो चारों तरफ आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्वार्टर्स है, ग्रीनरी है और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे क्वार्टर का, यहाँ से व्यू देखो आप, सामने जो आप माउंटेन्स देख रहे हो ना वो सारे हैं हिमाचल प्रदेश के, मतलब थोड़ा सा ही आप आगे जाओगे तो आप उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाओगे। मेरे क्वार्टर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है, बहुत सुंदर व्यू है और शाम के टाइम पे मैं वॉक करती हूँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखो, अब ये मैंने पहले बनाई थी अपने छत से ही और क्या नज़ारा है, मतलब डबल रेनबो। अब बारिश वाले सीजन से वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों ऊपर तो आप आ गए, असली रिस्क है नीचे जाने का, इन्होंने तो सीढ़ियाँ लगवा ली, मुझे भी सिविल वालों को बोलना पड़ेगा मेरी भी लगवा दो। तो गाइज फाइनली नीचे मैं आ चुकी हूँ और आपको मैं एक और बार ओवरव्यू दे देती हूँ अपने रूम टूर का। तो यहाँ पे एक रूम मेरा ये हो गया और एक रूम ये है और ये हो गया किचन टेंटन और ये हो गई लॉबी और वो हो गए 2 वॉशरूम और मेरा क्वार्टर हो गया ख़त्म। बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही व्लॉग अब आपको मिलते रहेंगे, मैंने सोच लिया है कि महीने में 4 बार तो कम से कम मैं व्लॉग डालूं और शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती हूँ, बाकी मैनेज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, तो इससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलती है।